इधर भी मामा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ओह, दिखाओ। एक मिनट। इसमें अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाने वाली चीज होगी तो जो होगा देखा जाएगा। अब संपदा की उंगली, इसका मतलब अथर ने संपदा की उंगली काट दी। कैसा लगा तोहफा? अब तोहफा तो ऐसा ही होना चाहिए ना जो जिंदगी भर याद रहे। क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी जरा भी आवाज बाहर गई ना माई, न जाने संपदा की कितनी ही उंगलियां कट सकती हैं माई। तुम्हें समझ नहीं आ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अथर्व। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। और मुझे जानवर बनाने में संपदा भी इस कल्याणी की वजह से ही मरेगी। किसने कहा था तुम्हें जाकर संपदा को ढूंढने के लिए? हाँ, और तुम साथ में मल्हार को भी ले गई थी। एक बात ध्यान से सुन लो कल्याणी, तुम सबके सब साथ मिलकर भी ना मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिमाग बहुत चला के कल्याण। मैं संपदा को तो पहले ही वहां से निकाल चुका था, और तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी ना। यह है तुम्हारी सजा। ये सजा? अरे चेहरे का रंग देखो, कैसे रंग उड़ गया। माई एक राज की बात बताऊं? हाँ, ये उंगली नकली है माई, रबर की उंगली है, और ये खून, ये सॉस है माई। तुम देखोगी? लो देखो। अब मैं अपने होने वाली सास से, होने वाली बीवी से मजाक तो कर ही सकता हूँ। हाँ, अरे अगली बार तुमने ऐसी चलाकी की ना कल्याणी, तो इस मजाक को हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगे। मैं संपदा की एक एक उंगली काट कर उसे माला में पिरो कर तुम्हारी गर्दन में डालूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप हमारी शादी की वरमाला पहनकर मेरे साथ मंडप में बैठ जाओ। संपदा के फोन पे मल्हार का कॉल। मल्हार का फोन? आठ बज गए।
ये मल्हार और 8 बजने का क्या संबंध है? मैं पूछ रहा हूँ, ये मल्हार और 8 बजने का क्या संबंध है? अरे माई, मल्हार और 8 बजने का क्या संबंध है? संपदा ने कहा था कि वो कैंप से सिर्फ 8 बजे फोन पर बात कर सकती है। तुम ये लो, ये तुम संपदा की आवाज निकाल कर बात करो, और मल्हार को शक नहीं होना चाहिए कि संपदा मेडिटेशन कैंप में नहीं है। तो बात करो। अरे बात करो, पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं करने वाली, ये सब मुझसे नहीं होगा। वरना संपदा के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। नहीं करोगी तुम बात? नहीं, नहीं करोगी? मैं बात करूंगी, बात करूंगी। गुड गर्ल, बात करो। मल्हार को शक नहीं होना चाहिए। अरे कायरे सदा, क्या ये ना दरवाजे पे तोरण ना बाहर लाइट। अरे मैंने बोला था ना कि बाहर आने जाने वाले लोगों को पता चलना चाहिए कि ये शादी वाला घर है। अभी रुकवत का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए। जाओ। नमस्कार अप्पा। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। अरे आओ साहब। नमस्कार आओ साहब। खुश रहो। संपदा कैसी है? उसका कोई फोन आया था? दरअसल आओ साहब, मैं भी आपसे यही पूछने आया था। आपकी बात हुई क्या संपदा से? जब वो जा रही थी तो मुझे बोल के गई थी कि हर शाम 8 बजे उसको मेडिटेशन कैंप से कॉल करने दिया जाएगा, लेकिन कल तो मेरी बात ही नहीं हो पाई। और अभी फिर से कॉल किया था उसे, लेकिन उठाई नहीं रही है। मुझे काफी चिंता हो रही है उसकी। तुम एक काम करो ना, तुम उसकी सहेली है ना संध्या, उसे फोन करो। हाँ संध्या भी तो मुंबई में है ना, मैं अभी फोन लगाता हूँ। अरे संपदा का कॉल आ रहा है। हेलो संपदा। हेलो हेलो, वहाँ इतना शोर कैसे संपदा? बारिश हो रही है क्या वहाँ पे? हेलो हेलो मल्हार। हेलो संपदा, तुम खास क्यों रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हेलो मल्हार, बारिश बहुत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। संपदा देखो तुरंत वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी तबीयत की चिंता हो रही है। लेकिन मल्हार बीच में छोड़ के नहीं आ सकती। संपदा हम बोल रहे हैं। जी आओ साहब। देखो बेटा, ये मेडिटेशन कैंप बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? हम कुछ नहीं जानते, बस तुम कल के कल वापस आ जाओ। माफ कीजिए आओ साहब, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मन्नत मांगी है। मेडिटेशन कैंप बीच में छोड़ के नहीं आ सकती, 2-3 दिन की तो बात है आओ साहब, मान जाइए प्लीज। तुम ही समझाओ, हमारी बात नहीं मान रही। नहीं मान रही है? हेलो संपदा, ऐसी कैसी जिद्दी हो गई हो तुम? तबीयत खराब है ना तुम्हारी? देखो अवसर की बात भी नहीं मान रही हो तुम। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी ऐसे शख्स से बात कराता हूँ कि तुम मना कर ही नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी माई से बात कराता हूँ। होल्ड करो। गॉड, मल्हार जी आ जाएंगे तो कम से कम उधर का ये पागलपन तो कम हो जाएगा। हेलो फोन मत रखना, होल्ड करो, मैं माई से बात कराता हूँ। हेलो हाँ होल्ड करो, मैं तुम्हारी माई से बात कराता हूँ। हेलो हेलो हाँ माई। संपदा दो। हेलो कट हो गया है तो। वो मुंबई में बारिश हो रही है ना, तो सिग्नल चला गया होगा।
तुम्हें कैसे पता अथर्व? अभी कुछ देर पहले ही वेदर ऐप चेक किया था, जनरल नॉलेज। अच्छा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। स्विच ऑफ हो गया है, बैटरी लो की होगी ना तो ऑफ हो गया होगा। हाँ, एक तो संपदा अपना फोन चार्ज करना भी भूल जाती है ना। कोई बात नहीं ना मलार जी, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। नहीं, आज तो बात नहीं हो पाएगी, अब कल ही बात होगी। माई, कल मैं आपकी संपदा से बात कराऊंगा, उसको बोलेगा तुरंत वापस आ जाए। वो बारिश में भीग के उसको सर्दी जुकाम हो गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई की शादी मुबारक हो पल्लवी। वैसे शादी बड़ी जल्दबाजी में की है तुम लोगों ने, 3 दिन पहले शादी तय की और आज रुख्सत भी रख दिया। वो क्या है ना काकू, आज छोटी दिवाली है ना, तो हमने सोचा कि रुख्सत के लिए इससे अच्छा मुहूर्त और क्या हो सकता है ना पल्लवी। वैसे भी माई की सौतेली बेटी की शादी है, कौन सा खजाना देने वाली है जो जमा करने में समय लगेगा। 2-4 कबशी और तांबे सजाने में वक्त ही कितना लगता है, हो कि नहीं? हाँ, देख लेंगे। अनुप्रिया, ये क्या तैयारी की है तुमने रुख्सत की? वही साधारण सा सब सामान इकट्ठा कर रखा है तुमने। अरे कम से कम हमारी प्रतिष्ठा का तो ख्याल किया होता। आखिर कल्याणी देशमुख परिवार की पोती है, तो ना पता नहीं उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाती। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? रुख्सत की रस्म का मतलब यही होता है ना कि लड़की वाले जो भी प्यार से अपनी बेटी को देना चाहते हैं उसे मेहमानों और लड़के वालों के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें रुपया और पैसा कहाँ से आ गया? माई जो भी कल्याणी को देना चाहती है इसमें उसका प्यार झलकता है। और मुझे आज भी याद है, संपदा की रुख्सत माई ने ही सजाई थी और संपदा ने एक एक चीज प्यार से संभाल के रखी हुई है। अनुप्रिया, काफी समय हो चुका है, हमें रसम शुरू करनी चाहिए। रुख्सत का सामान तुमने कहाँ रखा है? आउट हाउस में। अब सिर्फ आउट हाउस में आग लग गई है। जस्ट
बहुत शौक है ना रखेल की बेटी के लिए रुकवत का सामान बनाने का। अब देखना कैसे ये सारा सामान जल के राख होता है। अब मैं इस बात का इतना फायदा उठाऊंगी, इतना बड़ा तमाशा करूंगी कि आओ साहब ये शादी रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अनुप्रिया और कल्याणी। अनुप्रिया शायद मुझसे कभी ये बात नहीं कही थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। लेकिन अनुप्रिया ने मेहनत से बनाई हुई वो गुड़िया उस प्यार का सबूत है। उसे मैं जलने नहीं दूंगी। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी बेटा पीछे आओ, कल्याणी। अरे, अरे, कल्याणी, कल्याणी। प्यार से मेरे लिए ये गुड़िया बनाई, अगर कुछ हो जाता तो आओ साहब मुझे बार बार इस शादी को लेकर ना गलत संकेत आ रहे हैं। हाँ अब देखो ना, शादी वाले घर में आग लग जाना, रुकवत का सारा सामान जल के राख हो जाना, साहब ये ना ईश्वर का संकेत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप ये शादी रोक सकते हैं। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद होने से रोक दीजिए आओ साहब। इस लड़की की शादी ना मेरे भाई से मत होने दीजिए आओ साहब। आओ साहब कुछ कीजिए ना आओ साहब। पल्लवी, तुमने शादी को क्या खेल समझ के रखा है जो हार के डर से बीच में ही छोड़ दिया जाए? हम अपनी जुबान से नहीं पलटेंगे।
अथर्व की शादी कल्याणी से ही होगी। फिर चाहे उन्हें इसी अग्नि को साक्षी रखकर फेरे क्यों न लेने पड़ जाए।